देखिए आज की तारीख है 11 तारीख 11 अगस्त और लेक्चर नंबर 16 उसका पार्ट वन मैथमेटिकल लॉजिक। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 6 तक आपको हल करा कर दिया था और 7वां और 8वां क्वेश्चन 7, 8 और 9 ये तीन क्वेश्चन 5 तक दिया था। 6, 7, 8 जो है आपको होमवर्क करना था। 6, 7, 8 चार का 6, 7, 8 होमवर्क। इसमें से ये 7वां क्वेश्चन मैं आपको हल करके देता हूँ ताकि थोड़ी आपको मदद हो जाएगी होमवर्क करने। जरा इसको गौर करें। इस क्वेश्चन में ये क्लियर बताया गया है कि आपको पी आर क्यू ट्रू लेना है, पी आर क्यू ट्रू लेना है और आर और एस को फॉल्स लेना है। पी आर क्यू ट्रू, आर और एस को फॉल्स लेना है। तो जरा गौर करें सॉल्यूशन में। आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके बाद निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, फिर कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर ब्रैकेट बंद, फिर इसको पढ़ेंगे डिसजंक्शन, उसके बाद क्यू कंडीशनल पी ब्रैकेट बंद कंडीशनल निगेशन ऑफ एस डिसजंक्शन आर। इसके पढ़ने का तरीका भी समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज डालेंगे और यहाँ पर तीन बराबर की अलामत है, तीन बराबर की साइन, यानी जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसको हम? इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज डाल दीजिए। आपको पता है पी क्या लेना है, आपको ट्रू लेना है। तो निगेशन ऑफ ट्रू कंजंक्शन, निगेशन ऑफ ट्रू कंजंक्शन क्यू भी आपको ट्रू लेना है, ठीक। उसके बाद कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर, आर और एस फॉल्स लेना है। आर है आपका एफ, ये ब्रैकेट बंद, फिर डिसजंक्शन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्यू, क्यू क्या लेना है ट्रू कंजंक्शन, फिर पी भी आपको ट्रू लेना है, पी भी आपको ट्रू लेना है, फिर कंडीशनल, फिर कंडीशनल, उसके बाद निगेशन ऑफ एस, एस क्या लेना है आपको फॉल्स, और फिर डिसजंक्शन आर भी क्या लेना है फॉल्स, इस तरह से, ठीक। फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट, ये आपने डायरेक्ट क्या किया, जो कीमतें दी गई थी, जो वैल्यूज थी उसकी ट्रूथ वैल्यूज, वो आपने ट्रूथ वैल्यूज वहां डाल दिया। पी आर क्यू के लिए ट्रू डाला, आर और एस के लिए फॉल्स डाला, निगेशन जिस जगह था वहां हमने निगेशन डाल दिया। अब निगेशन इस ट्रू के लिए काम करेगा, निगेशन इस पूरे के लिए नहीं, निगेशन सिर्फ पहले ट्रू को काम करेगा, तो बना देगा फॉल्स। क्या बना देगा? फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू क्या बन गया? फॉल्स और कंजंक्शन और ये ट्रू, फिर कंजंक्शन निगेशन ऑफ फॉल्स क्या बन गया आप साहब, ये निगेशन ऑफ फॉल्स बन गया ट्रू। क्या बन गया? ट्रू। ये एक ब्रैकेट को कन्वर्ट करता है। दूसरा फिर देखें, ट्रू कंडीशनल ट्रू, ट्रू कंडीशनल ट्रू, कंडीशनल में ट्रू से स्टार्ट हो और सामने अगर एफ होता, सामने अगर एफ होता यहां पर तो जवाब क्या होता? एफ। लेकिन ट्रू से शुरू हुआ जरूर, लेकिन सामने एरो के सामने एफ नहीं मिला, इसलिए ये फॉल्स नहीं होगा। तो क्या होगा? इस टोटल का जवाब ओनली ट्रू। क्या होगा? सिर्फ ट्रू। इस टोटल का जवाब ट्रू होगा, ठीक। फिर ये वाला कंडीशनर, कंडीशनर अब निगेशन, पहले डिसजंक्शन काम नहीं करेगा, पहले डिसजंक्शन नहीं काम करेगा, निगेशन ऑफ एफ काम करेगा। निगेशन ऑफ एफ क्या होगा? एफ का निगेशन, इसका जवाब हो गया ट्रू, इसका जवाब ट्रू, डिसजंक्शन और ये फॉल्स जैसा था वैसा, ठीक है। फिर वापस आता है, देखें हाँ, अब इस ब्रैकेट में देखें, इस ब्रैकेट में निगेशन वगैरह नहीं, क्लियर। तो कंजंक्शन का सिस्टम लगेगा, कंजंक्शन का सिस्टम क्या कहता है? एक भी एफ तो जवाब एफ। कंजंक्शन का सिस्टम क्या कहता है? एक भी एफ तो जवाब एफ, यानी इसका रिजल्ट हो गया एफ, इसका रिजल्ट एफ कंजंक्शन और टी, कंजंक्शन टी, ये अपना डिसजंक्शन अंदर में, फिर ट्रू, फिर ये कंडीशनल। अब यहाँ पर देखें डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या उसूल है? डिसजंक्शन में एक भी ट्रू, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, इसका जवाब आ गया आपके पास ट्रू, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ देखें तो ये ब्रैकेट में, फिर अब कोई टेंशन नहीं है, दोनों क्लियर है, अब इसको आप लिख सकते हैं। कंजंक्शन का उसूल है, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो जवाब फॉल्स,
कंजंक्शन एक भी फॉल्स, जवाब फॉल्स हो गया। उसके बाद ये वाला डिसजंक्शन, ये जवाब किसका है, इसका। कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो जवाब फॉल्स, डिसजंक्शन ट्रू से स्टार्ट हुआ, कंडीशनल फिर ट्रू आ गया, ये देखिए सेम इसके जैसा, अधूरा ट्रू मिला लेकिन एफ नहीं मिला तो क्या जवाब होगा, ट्रू। और फिर डिसजंक्शन पासवर्ड लगेगा, और डिसजंक्शन पासवर्ड क्या करता, एक भी ट्रू डिसजंक्शन में एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, इसलिए इसका जवाब ट्रू, और ये इस तरह से इसका फाइनल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक बता दिया 7 नंबर का, बाकी दो आपका होमवर्क जैसा था वैसा रहेगा। स्टॉप स्टॉप, इसमें के 7 तक तो बता दिया मैंने, 6 और 8 आपका होमवर्क रहेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नेहायत आसान है, बहुत ईजी, एकदम सिंपल। कहता राइट द निगेशन, निगेशन मतलब नॉट लगाइए, नहीं बनाइए। जैसे कहा जाए ही इज ए गुड मैन, आप क्या लिखेंगे, ही इज, इसका निगेशन क्या लिख देंगे, ही इज नॉट ए गुड मैन। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम बैड भी लिख सकते, नहीं, आपको जो दिया है उसका नॉट लिखना है, यानी सिंपली आपको उसमें नॉट का इस्तेमाल करना है। और ये सब सिंगल स्टेटमेंट है, कोई इसमें कंपाउंड नहीं है, मिक्स नहीं है, देखिए एक ही है। जैसे तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, आपको इसका निगेशन क्या देना है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ है ये नहीं बताना, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका आप निगेशन क्या बताओगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, बस इसका निगेशन क्या लिखेंगे, निगेशन तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा लिखा, अब देखिए जरा इसको, और थ्री मैं इसको रहने देता हूं, इसको बाद में बताता हूं, जरा तीसरे को देखिए, इसका निगेशन देखिए, पहले इसका निगेशन, ठीक है, इसका निगेशन का रूट टू इज ए रेशनल नंबर, सही है गलत ये सब आपको नहीं देखना, इसका निगेशन देना, आप क्या लिखेंगे, कहता ये रेशनल नंबर है, आपको क्या करना है कि नहीं निगेशन लिखना, तो क्या बताएंगे कि ये रूट टू जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, सिर्फ नॉट का को बढ़ा देना, बस ये लिखना है रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक। इसका देखिए निगेशन ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, पॉलीगॉन ए बी सी डी इज ए पेंटागन, कहता है ये पेंटागन, आपको क्या बोलना है निगेशन के द्वारा, निगेशन लिखना है, इसलिए आपको क्या करना है इसका, कि ये पेंटागन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज नॉट ए पेंटागन। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सिंपल सी बात है, ही इज ए गुड बॉय, आपको क्या लिखना है, ही इज नॉट ए गुड बॉय, है ना, बस इतना ही करना। अब जरा इसको देखिए, ये तो बातें बताएं, अब जरा इसको देखिए, कहता है इसमें पहले से नॉट लगा हुआ है फिर भी उसका निगेशन लिखना है, क्या लिखना, निगेशन दिन का निगेशन रात, रात का निगेशन दिन, तो रात का निगेशन दिन, यानी नॉट निकाल दीजिए। जैसे मैंने कहा कि कहता है कि नॉट रूट, नॉट ए रूट, उसका निगेशन लेना है, मतलब नॉट का डबल नॉट, यानी नॉट को निकाल दीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो वैसे ही मामला, थ्री इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन, इसके निगेशन में क्या कीजिएगा, इसके निगेशन में और नॉट मत डालिए, क्या कीजिए, इसमें का नॉट निकाल दीजिए, डबल नॉट देने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे यहां बताया इसमें नॉट बढ़ा दिया, यहां नॉट बढ़ा दिया, यहां नॉट बढ़ा दिया, लेकिन यहां पहले से नॉट मौजूद है, इसमें के नॉट को बाहर निकालकर खत्म कर दें, तो क्या लिखेंगे इसका निगेशन, थ्री इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू, ये हो गया उसका निगेशन। तो निगेशन अगर सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है और उसका निगेशन लिखना है, तो दो बातों का ध्यान रखना, अगर सादा है बगैर नॉट वाला तो उसमें नॉट का इस्तेमाल कर दीजिए, नॉट को यूज कर लीजिए, उसका निगेशन तैयार हो जाएगा। और अगर पहले से नॉट है और फिर उसका निगेशन लिखना है तो उसके नॉट को आप निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, खत्म कर दीजिए, जैसे यहाँ किया मैंने, नॉट था नॉट निकाल। अब जरा इस सवाल को देखें, कहता है 7 प्लस 3 बड़ा है 5 से,
आप क्या कहोगे इसका निगेशन? नहीं साहब, बड़ा नहीं है। बहुत सही आपका कहना, बड़ा नहीं है। इसका निगेशन दो तरह से लिखा जा सकता है, हालांकि किताब में एक ही तरह से दिया होगा, लेकिन इसका निगेशन आप सीखिए, सीटी में काम में आए। इसका निगेशन दो तरह से लिखा जाता है। जैसे पहली बात ये हो गई जो मैंने सिखाया, 7 + 3 = 7 + 3 > 5, इसका निगेशन क्या होगा? 7 + 3 = not > 5। तो जैसे इक्वल होता है, जरा देखिएगा, समझिए इसको, सीखिए। इक्वल है तो इसका निगेशन आप क्या लिखते हो? इक्वल है तो ये है नंबर, और नॉट इक्वल होगा तो क्या लिखोगे? नॉट इक्वल के लिए इक्वल लिख के कट मार देते, इक्वल के लिए ऐसा, नॉट इक्वल के लिए कट मार देते। तो वैसे ही यहाँ करेंगे, क्या लिखेंगे बोलिएगा? 7 + 3 > बड़ा है, बड़ा नहीं है, कट मार दीजिए। क्या कर दिए? कट मार दिए। पहले क्या लिखा, फिर से देखिए, 7 + 3 बड़ा है इससे, 5 से, ठीक। हमको निगेशन लिखना है, बड़ा नहीं है, इसको कट मार, बड़ा नहीं है किससे? 5 से। ये हो गया एक तरह, ये चलता, ये भी चलता। दूसरी एक बात, जो चीज बड़ी नहीं है वो दो बातें हो सकती है, छोटी भी हो सकती या फिर इक्वल भी हो सकती। क्या हो सकती? इक्वल भी हो सकती, यानी वो चीज अगर बड़ी नहीं है तो मसावी हो सकती, यानी बराबर में हो सकता, या फिर छोटा हो सकता। तो इस तरह से इसका सेकंड निगेशन इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से, और करके क्या लिख रहा है? दूसरे तरह से निगेशन देखिए, 7 + 3 = < छोटा होगा या इक्वल होगा, दोनों साइड देना पड़ेगा, छोटा होगा या इक्वल होगा किसके? 5। ये इसका निगेशन। ये भी चलता एग्जाम, ये भी चलता, ये डायरेक्ट हो गया, जैसे नॉट डाल दिया, कट मार दिया, जैसे इक्वल होता तो सादा, नॉट इक्वल तो कट मार दिया, बड़ा है नॉट बड़ा, बड़ा नहीं है तो कट मार दिया, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, यानी मसाले होगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ दो होमवर्क दिया है, इसमें के दो होमवर्क का खुद से कंप्लीट करेंगे और इसका स्क्रीन शॉट लेंगे, और इस पर जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक्सरसाइज भी आपको कवर करना। एक जगह देखा मैंने एक्सरसाइज, कहीं कुछ इस तरह के सवाल आता है, वो देख लीजिए। चलिए इतना तो कंप्लीट कीजिए, अभी चूंकि लॉकडाउन है ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप इतना कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में, इसमें जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो बातें सीखनी है, उसमें सबसे जो अहम बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी बड़े कंपाउंड स्टेटमेंट का, बड़े से कंपाउंड स्टेटमेंट का, जिसे बहुत सारी कनेक्टिव्स होंगे, जैसे देखिए आप इसमें PQ तो है, दो ही है मेन, लेकिन इसमें जोड़ने वाले 1, 2, 3 तरह की बातें इसके अंदर मौजूद है, है ना, कंडीशनल भी है, कंजंक्शन भी है, फिर कंडीशनल है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो काफी बड़ा कोई कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट्स का आपको ट्रुथ टेबल बनाते आता है ना, वो आप सीख जाते हैं, तो बाकी जो इस लेसन में है आप बहुत आसानी से सीख जाओ, ठीक है। तो पहले स्ट्रेस यानी कोशिश करें हम टेबल कैसे बनाते हैं, तो इसमें आप बहुत ध्यान से सीखें, जितनी बातें मैं यहाँ पर कहता हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें इस पूरे स्टेटमेंट में गौर करें तो दो ही तरह की मेन बात कही जा रही है। मेन स्टेटमेंट कितना है? सिंपल स्टेटमेंट। मेन कितने टाइप के स्टेटमेंट है? तो दो टाइप के। कौन कौन? एक है पी और एक है क्यू। इसमें और कोई तीसरा आर या एस मौजूद नहीं है, यानी मेन कितने हुए? दो। मेन इस पूरे के अंदर मेन कैरेक्टर कितना? दो। कौन कौन? PRQ। मेन कितने हैं? दो। अहम कौन है? दो। कौन कौन? PRQ। तो PRQ जैसे आपने ले लिया, आपके जहन में आ गया कि PRQ यानी दो, तो आपको याद कीजिए ट्रुथ टेबल बनाते वक्त मैंने एक सिस्टम बताया था आपको, 2:2। नीचे 2 किसके लिए था? ट्रू फॉल्स के लिए, और ये कितने हैं? दो क्वांटिटी है PRQ, तो 2×4 यानी कितनी आड़ी लाइन बनेगी? तो आड़ी लाइन बनेगी कितनी? 4। एक, पहले इसके लिए नंबर देना, 1, 2, 1, 2, उसके बाद इधर 3 और ये चौथी आई,
ये आप पहले दिमाग में रख लें कि कितनी आड़ी लाइन बनाना है मुझे, चार आड़ी लाइन बनाना है। कितने के लिए, क्यों चार? क्योंकि इसमें मेन जो किरदार है, मेन जो कैरेक्टर है वो है दो, कौन कौन? पी आर के। ठीक है, अब जरा गौर करें, आपको पता है किसी भी चीज का, किसी भी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करने चलते हैं किसी भी एक्सप्रेशन, तो उसमें आप पहले सबसे पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन? स्मॉल ब्रैकेट का, छोटे ब्रैकेट का। आप जरा गौर करें, इसमें देखें, इसको देखें गौर से, इसमें दो मेन हिस्सा दिख रहा है। पहला मेन, दो बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा ये है जो बड़े ब्रैकेट में, एक हिस्सा ये अलग है। अब ये पी तो आपके पास है, ये पी आप ले चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पी आपके पास है। अब हम इसमें आते हैं, तो इसके अंदर जब आए तो आप देखते हैं यहां भी दो हिस्सा है, एक स्मॉल ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर। यहां देखिए, फिंगर देखती है, एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक, और दूसरा यहां पर है। इसमें कौन कौन है? पी आर क्यू है, आपके पास पी भी है क्यू भी है। आपके ये पी तो मैंने इसके लिए नहीं, ये पी हजार पी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक पी आप 10 जगह यूज कर सकते, ठीक है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इन दोनों को, इन दोनों पी आर क्यू को अगर हम जोड़ दें, मिला दें, किससे मिला दें? एरो से, तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू मिल जाएगी अपने को। तो पहला काम क्या होगा कि हम अंदर में छोटे ब्रैकेट का काम करें, तो छोटे ब्रैकेट में आपको क्या चाहिए? पी एरो क्यू, तो पी भी है क्यू भी है, हमने तैयार किया पी एरो क्यू, ठीक, पी एरो क्यू हो गया। अब पी एरो क्यू मिलने के बाद ये ब्रैकेट तैयार है, समझ में आई बात? अब ये ब्रैकेट किसके साथ जुड़ रहा है? क्यू के साथ। ये ब्रैकेट किसके साथ जुड़ रहा है? क्यू के साथ। कौन सी अलामत से, कौन सा सिंबल से, कौन सा सिंबल है? कंजंक्शन। कौन सा सिंबल है? कंजंक्शन। और ये तैयार है तुम्हारे पास, क्यू है क्या? हाँ क्यू है, क्यू अलग से है हमारे पास, तो इसको जो मिला दे किसके साथ? इस क्यू के साथ। पी कंडीशनल क्यू को किसके साथ मिला दे? क्यू के साथ। पी कंडीशनल क्यू को मिला दिया कंजंक्शन के साथ, किसके साथ? क्यू के साथ। तो आप देखें कि आपका पूरा बड़ा ब्रैकेट तैयार हो गया, देखिए यहां से लेकर यहां तक आपके पास मिल गया, तैयार हो गया। अब इस बड़े वैल्यू को किसके साथ जोड़ना है? पी के साथ। इस बड़े वैल्यू को किसके साथ जोड़ना है? सिंगल पी के साथ, ठीक है। आप बड़े वैल्यू को, यानी पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन क्यू और ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको जोड़ दिया आपने कंडीशनल के साथ, किसके साथ? पी के साथ। तो आपका फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया। एक बार और गौर से सुन, फिर से एक बार देखें, मेन पहले क्या तलाशेंगे? कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, कितने अहम किरदार, यानी अहम रोल, मेन पार्ट इसमें कौन कौन ले रहा है? इसमें दो है, कौन कौन? पी आर क्यू। पी आर क्यू हमेशा हर जगह नजर आ रहा है, हमने पी क्यू लिखा, जैसे पी क्यू देखा कि कितने है? दो है, दो है, तो दो वाले में कितनी आड़ी लाइन बनती? चार। इस दो का पावर दो, दो का पावर टू इज इक्वल टू फोर, मैंने एक बार बताया था आपको। तो इस तरह से ये चार आड़ी लाइन हमने पहले तैयार कर लिया, ठीक है, ये बाद में भी कर सकते हैं, ये शुरू का है इसलिए सिखा दिया इसको। चार, अब आपने पी क्यू ले लिया, मेन कैरेक्टर को पहले आपने लिखा। अब देखते हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में काम, तो छोटे ब्रैकेट में है, यहां देख रहे हैं कि ये चाहिए, इसमें कौन कौन है? पी आर क्यू, इन दोनों को जोड़ना है किसके साथ? कंडीशनल के साथ। पी क्यू हमारे पास मौजूद था, इन दोनों को उठाया और जोड़ दिया किसके साथ? पी कंडीशनल क्यू के साथ, हो गया। अब ये ब्रैकेट क्यू से जुड़ा है, कौन से सिंबल से? कंजंक्शन से। ये तुम्हारे पास रेडी है, तैयार है, इसको इस क्यू से फिर मिलाना है, यहां मिला दिया किसके साथ? कंजंक्शन के साथ। तो आपका ये बड़ा ब्रैकेट तैयार हो गया, ठीक है। अब जैसे ही बड़ा ब्रैकेट मिल गया, आप किसके साथ जोड़ने वाले हो? पी को पी के साथ जोड़ने वाले, किस कौन से सिंबल से? कंडीशनल से। ये यहां से उठाया ये और ये दोनों को मिला दिया किससे? कंडीशनल से। आपका फाइनल रिजल्ट रेडी हो गया, फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब भरने का काम शुरू। तो आप देखें कि जैसे तरह से खड़े आड़ी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी? चार। तो वर्टिकल लाइन कितनी, यानी खड़ी लाइन कितनी है? तो आप गौर करें, इसमें नंबर देना जरूरी है, आगे काम में आएगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और ये पांच, यानी पांच कॉलम में आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। ये नंबर दे न दे जरूरी नहीं है, ये नंबर दे या न दे ये उतनी जरूरी नहीं है, इधर देना भी नहीं चाहिए। इससे बताया मैंने कि एक दो तीन चार, चार कॉलम बनेंगे, ठीक है। इसको मैं अब साफ कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत किसके ऊपर में, ठीक है। अब जरा
अब चार वाला कैसे बढ़ जाता आपको पता है, पहले में दो क्या लेते हैं, दो ट्रू, पहले में दो ट्रू, फिर बाद का दोनों एफ, ठीक। फिर दूसरे में अल्टरनेट चलता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गया। अब पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल, पी से एरो चला तो चलेगा कहां से, ट्रू से, तो ये दोनों ट्रू है, ट्रू के सामने एफ मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए एफ नहीं होगा, जवाब क्या होगा, ट्रू, ठीक है। कंडीशनल में क्या सिखाया कि ट्रू एरो एफ रिजल्ट एफ, ट्रू एरो एफ रिजल्ट एफ, और बाकी कैसा भी हो यहां तो है ही नहीं ट्रू, इसलिए एफ मिलने का चांस ही नहीं, रिजल्ट डायरेक्ट ट्रू, ठीक। अब इसको आपको मिला है किसके साथ, पी के साथ, तो जरा हम थोड़ा आपको और आसानी से समझा दें, देखिए जरा और से, चार में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, चार नंबर कॉलम में, अब जरा नंबर से सीखिए, चार नंबर कॉलम में हम क्या काम करने वाले हैं, ये तीन वाले को मिला रहे किसके साथ, दो नंबर वाले के साथ, तीन को मिला रहे दो नंबर वाले के साथ, कौन सा सिंबल से, कंजंक्शन से, जरा और भी, चार नंबर खाते में हम क्या करने वाले हैं, तीन नंबर वाले को मिला रहे दो नंबर वाले के साथ, किससे, कंजंक्शन, और कंजंक्शन का उसूल क्या होता है, कंजंक्शन का उसूल ये है, सिस्टम ये है कंजंक्शन का, उर्दू में लिखा था या अंग्रेजी में, टेबल के नीचे कंजंक्शन में एक भी एफ तो जवाब एफ होता। तो कंजंक्शन में देखें आप तीन और दो पे फिंगर रखें, तीन और दो पे, एक भी एफ है क्या, एक भी एफ है, नहीं है एक भी एफ, इसलिए जवाब एफ नहीं होगा, तो क्या होगा, एक भी एफ है आपको एक चाहिए, दो दो है, एक भी एफ, तो जवाब एफ, यानी जवाब रिजल्ट क्या हो गया इसका, एफ, यहां एक भी एफ नहीं है इसलिए रिजल्ट एफ नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रू, एक भी एफ है, देखिए एक भी एफ है ना, यहां है एफ, यहां नहीं, यहां है एफ, इसलिए रिजल्ट एफ, ठीक। अब देखना यह है पांच नंबर कॉलम में हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो टोटल है ये कहां मिला है अपने को, चार नंबर, ये टोटल कहां मिला है, यहां से यहां पर, चार नंबर, तो चार को हम जोड़ रहे हैं किसके साथ, पी, पी कहां है, एक नंबर में, चार को जोड़ रहा है एक नंबर में, और कौन सी सिंबल से, एरो से, चार को जोड़ रहे हैं किससे, एक से, कौन से सिंबल से, कनेक्टिव से, एरो से, एरो वाला सिस्टम क्या करता है कि पहले ट्रू बाद में एफ, तो जवाब एफ, यानी ट्रू कहां तलाशना है, ट्रू तलाशना है चार में, और एफ तलाशना है कहां, एक में, तो जवाब क्या होगा, एफ। अब जरा गौर कीजिए, चार में ट्रू दो जगह पे है, चार में ट्रू दो जगह पर है, यहां से आना है किधर, एक की तरफ, तो इसके सामने एफ होना चाहिए, इस टी के सामने, इस टी के सामने आपको पी लाना है ना, तो टी चार में है टी, लेकिन एक में एफ मिला क्या, नहीं, हम इधर से इधर नहीं देख रहे, हम इधर से देख रहे हैं, क्योंकि शुरू में कौन है, चार, चार से एक जाना है, चार में टी है जरूर, लेकिन एक में एफ नहीं है, इसमें जवाब, अब यहां तो स्टार्ट ही ना, देखिए बच्चे क्या करेंगे, ट्रू एफ नहीं, ये नहीं, इधर से नहीं जाना है, हमको इधर से जाना है, चार से एक की तरफ जाना है, तो चार में ट्रू होना चाहिए, चार में ट्रू नहीं है, शुरू में ट्रू नहीं है, इसलिए जवाब एफ नहीं होगा, तो जवाब क्या हो गया, ट्रू, चार में ट्रू, यहां है ट्रू, चार में ट्रू है, तो क्या इसके सामने एक में एफ है, चार में ट्रू है, एक में एफ है, इसलिए जवाब एफ, चार में ट्रू नहीं है, इसलिए जवाब एफ नहीं होगा, तो जवाब ट्रू, और इस तरह से ये आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट होगा, ठीक है। एक और जल्दी से देख ले, इसको देखें, इस क्वेश्चन में पी कंजंक्शन निगेशन क्यू बाय कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें फिर मैंने कहा मेन कैरेक्टर ढूंढिए, मेन कैरेक्टर कौन है, तो आप कहेंगे सर तीन तरह का दिख रहा है, पी है, निगेशन क्यू है, पी है, तो पी पी एक तरह का हो गया, एक क्यू दूसरा, निगेशन क्यू तीसरा, नहीं, तीन तरह का नहीं है, निगेशन क्यू मेन किरदार नहीं है, ये क्यू का निगेशन है, ये क्यू का निगेशन, तीसरा अलग टाइप का नहीं है, अलग टाइप का कैसा होना चाहिए था, तीसरा आर होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, निगेशन जो है मेन कैरेक्टर नहीं है, मेन कैरेक्टर कौन है फिर इसके अंदर, दो ही है, कौन कौन, पी आर क्यू, कौन है मेन कैरेक्टर, पी आर क्यू, ठीक, मेन कैरेक्टर कितने हो गए, दो, जैसे मेन कैरेक्टर दो, निगेशन
जो है वो क्यू का निगेशन है, निगेशन क्यू मेन कैरेक्टर नहीं है, किसी का भी निगेशन मेन कैरेक्टर नहीं होगा। तो मेन कैरेक्टर कौन होगा, पी और क्यू, ठीक है। दो, अब जैसे दो आया आप समझ जाए आड़ी लाइन कितनी बनानी है, कितनी बनानी आड़ी लाइन, ऐसी चार आड़ी लाइन बनानी जैसे यहां बनाया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे मैंने कहा पहले ब्रैकेट का काम, तब बहुत आसानी से देखते हैं कि इसमें कितने ब्रैकेट है, दो छोटे छोटे ब्रैकेट है और आखिरी में दोनों ब्रैकेट को मिलाया गया इससे बाई कंडीशन से। तो पहले हम पहला ब्रैकेट तैयार करें, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट तैयार करें और फिर दोनों को मिला देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं पी के साथ कौन है, निगेशन क्यू है। निगेशन क्यू है क्या आपके पास, नहीं। तो निगेशन क्यू को हासिल करने के लिए आपको पहले एक सादा क्यू चाहिए, सादा क्यू है ना आपके पास यहाँ, तब आपका पहला काम क्या होगा, तीसरा काम कि निगेशन क्यू तैयार करें। क्या करेंगे, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू किसके उल्टा देखने से मिलेगा, क्यू का उल्टा देखने से निगेशन क्यू मिलेगा। अब अपने पास पी भी है और निगेशन क्यू भी है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दिया पी और निगेशन क्यू को, किससे जोड़ दें हम, कंजंक्शन से। यह आपका फर्स्ट ब्रैकेट रेडी हो गया, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट मिल गया। अब दूसरे ब्रैकेट में जाते हैं तो देखते हैं पी और क्यू है, ठीक है, तो पी और क्यू है ना अपने पास यहाँ है, अब इसको मिलाना है किससे, कंडीशनल से। तो पी और क्यू को मिला दिया कंडीशनल से, पी और क्यू को मिला दिया कंडीशनल से, हो गया। अब दोनों ब्रैकेट तैयार है, दोनों ब्रैकेट को मिलाना है किससे, बाई कंडीशनल से। तो आप यहां मिलाएंगे पी कंजंक्शन निगेशन क्यू बाई कंडीशनल, है ना, और पी कंडीशनल क्यू, इस तरह से आपका फाइनल तैयार हो गया, ठीक है। अब रहा सवाल, मैंने कहा आड़ी लाइन में तो नंबर नहीं डालना है, ऐसे यहां 1 2 3 4 समझाने के लिए डाल, अभी नहीं डाला, लेकिन ऊपर में नंबर डालना जरूरी है, आपको आगे काम में आएगा। तो आप यहां भी नंबर डाल सकते हैं, अभी अपने पास जगह है तो नीचे नंबर डाल के बताते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, छह कॉलम बने, कितने सुतून बने, कितने कॉलम, छह कॉलम बने। अब छह कॉलम में देखिए कि पहला दूसरा तो मेन बॉस था, मेन कैरेक्टर था, हो गया। तीसरे में आप क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे, उल्टा देख रहे किसका, किसका, क्यू का, क्यू कितने नंबर खाते में, दो नंबर में, यानी तीसरे में हम क्या करेंगे, दो पर फिंगर रखेंगे और उसका उल्टा लिखेंगे। चार में आप जोड़ रहे हैं कंजंक्शन से, किसको किसको, पी कहाँ है पहले में, पी कहाँ है पहले में, निगेशन क्यू कहाँ है, डायरेक्ट निगेशन क्यू देखिए कहाँ, यहाँ, यहाँ कितना नंबर शुद्ध नहीं है, तीन नंबर, एक और तीन पर फिंगर रखेंगे। पांचवे में आप एक से एरो तलाशेंगे, किसमें, दो में, और छठे में क्या करेंगे, ये दोनों तैयार है कहाँ, चार में, इन दोनों का क्या देखेंगे, बाई कंडीशनल, क्या देखेंगे, बाई कंडीशनल, है ना। ये नंबर से आप सीखने की कोशिश करें। अब यहां देखें, इसको समझ लें एक बार अपने से। अब यहां पर हम इसको भरने का मन करें, जैसे ये दो वाला है, कितने आड़ी लाइन आएंगे, चार आड़ी लाइन, एक दो, ये तीन और ये चौथा, ठीक है। पहले में दो ट्रू, फिर दो फॉल्स, पहले में हो गया, दूसरे का ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब निगेशन उल्टा, किसका, दो का उल्टा, यहां दो पर फिंगर रखिए, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, हो गया। अब चार में एक और तीन चाहिए, एक और तीन पर फिंगर रखिए, इस तरह से फिंगर रखिए, एक और तीन पर। और क्या है कंजंक्शन, कंजंक्शन का क्या सिस्टम है, कंजंक्शन में कहता है एक भी फॉल्स, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो जवाब फॉल्स, एक भी फॉल्स है फॉल्स, यहां है फॉल्स, कहां है, एक भी फॉल्स, यहां फॉल्स, इसलिए रिजल्ट फॉल्स। इन दोनों में एक भी फॉल्स नहीं है तो जवाब फॉल्स नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रू। एक भी फॉल्स है ना दोनों में फॉल्स, इसलिए रिजल्ट फॉल्स। एक भी फॉल्स यहां है इसलिए फॉल्स। अब एक से दो की तरफ एरो तलाशना है, एरो वाले में अभी समझाया था, एरो वाले में पहला ट्रू बाद में फॉल्स, चार में ट्रू एक में फॉल्स तलाश होता है, यहां एक में ट्रू तलाशेंगे, एक में ट्रू देखेंगे और दो का फॉल्स देखेंगे, तो रिजल्ट क्या बोलेंगे, फॉल्स। यहां ट्रू है, यहां फॉल्स है क्या, दो में नहीं है, एक से दो में देखना है, तो ट्रू और फॉल्स नहीं है दोनों, इसलिए ट्रू होगा। यहां ट्रू फॉल्स की जोड़ी है, ट्रू है पहला, दूसरा फॉल्स है, इसलिए जवाब फॉल्स। यहां फॉल्स हो गया, उल्टा हो गया, नहीं चलेगा, इसलिए जवाब ट्रू, यहां फॉल्स हो, सवाल ही नहीं आता, ये भी हो गया ट्रू। अब इन दोनों को छह में चार और पांच पर फिंगर रखें, और क्या है, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का सिस्टम क्या करता है,
आप याद कीजिए भाई, कंडीशन में लिखा था सेम देन ट्रू, दोनों सेम हो तो ट्रू। तो चार और पांच पर फिंगर रखिए, चार और पांच दोनों सेम है, दोनों सेम है, चार और पांच पर नहीं है, इसलिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, तो ट्रू नहीं होगा, तो क्या होगा एफ होगा। ट्रू और फॉल्स फिर सेम नहीं है इसलिए फॉल्स, सेम नहीं फॉल्स, सेम नहीं इसलिए फॉल्स। इस तरह से ये इसका फाइनल रिजल्ट मिला। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आगे की बात करते हैं, दूसरे पार्ट टू में आप करेंगे बात, पार्ट वन में इतनी है, पार्ट टू में आगे बताएंगे। पार्ट टू देखना है, चूंकि पार्ट टू में हम इसका आगे की कुछ बातें और बताएंगे दो चार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।